मैं सुनील सुमीर आप सभी का चौपाल समाज के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। के द्वारा अटेम्प्ट टू मर्डर लगा रहे हैं, आर्म्स एक्ट लगा रहे हैं, कौन कौन धारा लगा रहे हैं, जितना धारा यह सरकार लगा सकती थी सारा धारा सरकार लगाई, लेकिन उससे क्या होगा? यह हमारा जो आर्थिक आजादी की लड़ाई है, इस लड़ाई को आप फर्जी मुकदमा दायर करके हमें जेल में बंद करके आप इस आंदोलन को नहीं दबा सकते। आपने हमारे पांच भाइयों को जेल में बंद किया, उससे आंदोलन कमजोर हुआ क्या? 18 जुलाई का मालूम है कि नहीं? जी जी मालूम है। 18 जुलाई के आंदोलन में हमारे पांच भाइयों को, हमारे प्रदेश अध्यक्ष सहित पांच भाइयों को, बहनों को जेल में बंद किया गया, लेकिन उससे आंदोलन कमजोर नहीं हुआ। 8 दिन के बाद जेल से आया और मजबूती से कहा कि अभी जो जेल में बंद किया है गोली भी मरवा दोगे, पुलिस की गोली भी मरवा दोगे, तब भी हम शिक्षकों की लड़ेंगे, मरेंगे, और इनका जो आर्थिक आजादी की लड़ाई है इनको आर्थिक आजादी दिलाए। अब सवाल है कि पूरा लड़ाई चल रहा है, 5 सितंबर को 5 घंटा तक वेदना प्रदर्शन पटना की धरती पर होता रहा, सरकार के आदेश के बाद 1974 आप लोगों को याद हो आजादी की दूसरी लड़ाई, 1974 के आंदोलन के बाद यह पहला अवसर है कि सरकारी आदेश के विरुद्ध लाखों लोग पटना की धरती पर पहुंच करके आंदोलन किए। तो इतना बड़ा आंदोलन हुआ, उसका नतीजा हुआ कि मुख्यमंत्री जी को कृष्ण मेमोरियल हॉल से आधा घंटा तक उन्होंने जो संबोधन किया है उस संबोधन में उनकी वेदना झलकी। अगर आप लोगों ने 5 सितंबर का वो टीवी पर देखा होगा, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम ही किए हैं और हम ही करेंगे, ये ऐसे नहीं हुआ। 46 जगह शिक्षकों का फाटक लगा हुआ था पुलिस का, उस फाटक को तोड़ करके संजय गांधी स्टेडियम हम लोग पहुंचे। आज उस कार्यक्रम को रद्द करवाने के लिए जो हम लोग मांगे थे कौन, गांधी मैदान जो है वो रद्द करवा दिया। उसके बाद संजय गांधी स्टेडियम में हम लोग कहेंगे कहे जो कार्यक्रम करेंगे उसको भी जो है परमिशन नहीं दिया। उसके बावजूद भी लाखों शिक्षक बिहार का पटना की धरती पर मुख्यमंत्री को बोलने के लिए विवश कर दिया कि आप हमारे अधिकारों के बारे में सोचिए। अगर हमारे अधिकारों के बारे में नहीं सोचेंगे तो फिर हम चुप रहने वाले नहीं है, आपके जेल के डर से, आपके लाठी के डर से हम रुकने वाले नहीं है। यह हमारा अधिकार है और इस अधिकार को हम लेकर के रहेंगे।